মঙ্গলবার সকাল 11টা নাগাদ বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংগঠনিক সভা আহ্বান করা হয় বিশ্রামমঞ্চ বাজারে কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে। উক্ত সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নিশিকান্ত দেববর্মা, আগরতলা বরদলি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রাক্তন বিধায়ক আশিস শাহ, উপস্থিত ছিলেন বিশ্রামমঞ্চ কংগ্রেস নেতা দুলাল ঘোষ, রাজ্য কংগ্রেস প্রভারী জারিতা লাইট ফ্লাং। দুপুর 2টা নাগাদ আজমকায় কংগ্রেসের সেই সভায় আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতিকারীরা, ভেঙে চুরমার করে দেয় নেতা কর্মীদের দুটি গাড়ি। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসে জেলা প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিকরা। তবে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ খুব উগরে দেন কংগ্রেস প্রভারী, তিনি আরো জানান। और आश्चर्यजनक की बात यह है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी थी और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हमें खेद है कि इस तरीके का सरकार है त्रिपुरा में, जहाँ में लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाती। यहाँ पे हमने ना किसी से कोई बैर करी, ना किसी से कोई झगड़ा करा, बस हम यहाँ पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ मिलने आए थे और उनसे बात करने आए थे। प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ पर त्रिपुरा पे, और मैं पूरे त्रिपुरावासी के लोगों से ये गुहार लगाती हूँ कि इस तरीके का सरकार को आपको उखाड़ फेंकना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों पे हमला किया जाए। यहाँ पे हमको मारने के लिए जान से धमकी दी जा रही है। हमने किसी तरीके से हमने अभी पुलिस को बुलाया, DGP को फ़ोन करा, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली है, नहीं तो हालत देखिए किस तरीके से हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया है। ব্যুরো রিপোর্ট, ভয়েস 18।